छात्रों जो ध्यान दें, क्लासिक्स मैथ एनसीईआरटी जो आज पढ़ना है वो है एक्सरसाइज नंबर 3.6। 3.6 में दिया हुआ है एचसीएफ। सबसे एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ किसे कहते हैं, ठीक। तो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ यानी एचसीएफ ऑफ टू आर मोर गिवन नंबर, दो या दो से अधिक नंबर इज द हाईएस्ट आर ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। दिए हुए दो या दो से अधिक नंबर हो उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हाईएस्ट उसी को कहते हैं एचसीएफ। जैसे मान लीजिए हमने लिया 20 और 18, इसका निकालते हैं हम 20 और 18 का मान लेते हैं, सबसे दोनों का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने से पहले तो 20 का फैक्टर निकालेंगे, 2 × 2 × 5 हो जाएगा। इसको निकालने के लिए जाएगा हम एलसीएम लगन होता है उसको कर सकते हैं, और 18 जो होता है 18 का निकालेंगे 2 × 3 × 3 हो जाएगा, यानी फिर उसका मल्टीप्लाई करने का पूरा जो नंबर है प्राप्त होता है वही फैक्टर का 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 2 × 3 जैसे क्रिया 18 आ गया ना। अब इसमें जो कह रहा है ग्रेटेस्ट जो कॉमन होगा यानी सीएफ यानी कॉमन फैक्टर, तो ग्रेटेस्ट इस मान लीजिए हमारा ये मिल गया और तो कुछ मिला नहीं, यानी 2 के अलावा कुछ नहीं मिला, 2 के अलावा जो मिलता है उन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं और उसके बाद तो फिर बनता है हमारा HCF, ठीक, इक्वल टू और क्या हो जाएगा इसमें, क्योंकि ग्रेटेस्ट कॉमन एक ही है, ये हमारा क्या हो गया HCF। अब जानते हैं कि HCF का फुल नेम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ का फॉर्मूला होता है, और इसको हम जीसीडी भी कह सकते हैं, जीसीडी कह सकते हैं, जीसीडी, ठीक, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, कॉमन डिविजन, ठीक है। इसी पर आया हमारा इतना एक्सरसाइज है, देखते हैं पहला क्वेश्चन कि फाइंड द ठीक है डिवीजन। अब इस एक्सरसाइज में देता है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर, कुछ जो नीचे नंबर दिए गए उसका एचसीएफ निकालना, उसके एचसीएफ दो तरह से निकालते हैं, एक डिवीजन में होता है और एक फैक्टर में होता है। अभी हम जो सामने बताया है ये फैक्टर मेथड था और एक होता है डिवीजन मेथड, ठीक। डिवीजन मतलब जो भी हम हमारा एक नंबर होता है बड़े नंबर में छोटे से डिवाइड करते हैं, जो भी रिमाइंडर बनता है वो रिमाइंडर से फिर उस डिवीजन में क्या करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक ये पूर्ण रूप से डिवीजन डिवाइड होने जाए, पूर्ण रूप से वो डिवीजन होने जाए। जैसे मान लीजिए हम इसी का निकाल लेते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर पहला का, ये दिया है कि 18 और 48 दिया। तो पहले हम बता देना आपको डिवीजन मेथड, उसके बाद फिर फैक्टर बता देते हैं। डिवीजन में सबसे पहले क्या करते हैं, जो बड़ा होगा उसमें छोटा से डिवाइड करते हैं, बड़ा क्या है 48 और छोटा क्या है 18 से डिवाइड करते हैं, 18 के मतलब 48 को आएगा तो थोड़ा कम ही लाएंगे, 18 × 2 = 36, 8 में 6 = 2, 4 में 3 = 1। अब जो रिमाइंडर बचा इस रिमाइंडर से डिवीजन में क्या करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, यानी 18 फिर 12 = 12, इधर बस क्या हो गया रिमाइंडर 6 हो गया। अब रिमाइंडर 6 हुआ तो यहां डिवीजन के हुआ 12 भी करेंगे, 6 × 12 यानी कैसे हो गया ना, लास्ट किसे कैसे हुआ 6 डिवाइड हुआ, तो हम यहां लिख देंगे HCF = 2। अब उसी प्रकार इसका हम एक फैक्टर बता देते हैं, फैक्टर किसे निकालना है, देखिए वो फैक्टर में ये है, इसका अलग अलग फैक्टर निकालते हैं, 18 का निकालेंगे फिर यहाँ निकालेंगे 48 का, और दोनों में जो कॉमन करेंगे कॉमन का मल्टीप्लाई कर देंगे वो हमारा एचसीएफ होता है फैक्टर में। इसे इसका फैक्टर करते हैं, 2 9 = 18, 3 3 = 9,
3 बन जा 3, इसका हो गया। अब इसका निकालते हैं, इसे 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 12 जा 24, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। आप क्या करेंगे, इन दोनों का कॉमन निकालते हैं, यानी 18 का फैक्टर वाला क्या है, 18 बेटर है 2 × 3 × 3 और हमारा 48 का क्या है 2 × 2 × 2 × 3 ये ना 2 × 4 × 8 × 6 × 48। अब इसमें निकालेंगे CF मतलब कॉमन फैक्टर जो दोनों में दिया हुआ, ठीक, यानी यहां देखते हैं कि ये 2 दोनों में से मिल गया, यहां को देख लीजिए, फिर यहां देखते हैं 3 मिल गया, अब कुछ तो मिलने वाला है और डिवाइड करने वाला नहीं है। अब इसका क्या करते हैं, जो CF इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा LCF इक्वल टू 2 × 3 6 हो गया। अब देखिए ये हमारा फैक्टर मेथड है और ये हमारा डिवाइड मेथड है, दोनों का आंसर क्या हुआ है सेम आया है, जैसे इसका भी 6 है और इसका भी 6 है, तो इसमें लिखा नहीं है कि डिवीजन से करना है या फैक्टर्स करना है, ठीक। आप लोगों को जो भी अच्छा लगे उसे आप कर सकते हैं, चाहे फैक्टर से कर सकते हैं चाहे डिवीजन से कर सकते हैं, इस प्रकार एक्सरसाइज प्राइस करा है, आप लोग बनाइएगा, फिर जो प्रॉब्लम होगी उसकी समस्या बताया जाएगा।